हेलो एंड वेलकम टू सनाज हब्स एंड नेचर। सनाज हब्स एंड नेचर में आपका स्वागत है। सो इट इज 9:30 AM एंड दिस इज माई बेयर फेस। आई हैव कम विथ माई बेयर फेस बिकॉज मुझे दिखाना था कि ये जो न्यू प्रोडक्ट मायावी हमने लॉन्च किया है उसके इफेक्ट्स मुझे आपको दिखाने थे। सो देयर वर मेनी क्वेश्चंस। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि ये सीरम कैसे यूज़ करना है, हाउ डू वी लेयर इट, व्हाट एग्जैक्टली द सीरम इज़, एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव कम एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो इफ़ यू सी राइट नाउ आई हैव नथिंग ऑन माई फेस। मैंने ये मायावी सीरम लगाया था रात में एंड यू कैन सी द इफेक्ट्स। इफ यू सी, लुक एट द स्किन। ओके, सो व्हाट डज दिस सीरम डू एंड व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नाउ टू स्टार्ट विथ, वन सेकेंड, लेट मी जस्ट एडजस्ट माई कैमरा। ओके, सो टू स्टार्ट विथ व्हाट दिस इज, दिस इज अ रेटिनॉल इन्फ्यूज्ड सीरम। अब रेटिनॉल होता क्या है एंड हमने ये क्यों यूज किया है? सो दिस सीरम हैज विटामिन ए एंड B3। B3 इज नियासिनामाइड एंड रेटिनॉल इज विटामिन ए। नाउ इफ यू नो, विटामिन ए बहुत ज्यादा स्किन के लिए अच्छा होता है, कोलाजिन बूस्टिंग है एंड इट रिड्यूसेस द साइन ऑफ एजिंग। कैसे करता है ये सब? सो रेटिनॉल जो होता है, वॉट इट डज इज वेन यू स्टार्ट अप्लाइंग इट, उसके वजह से जो आपकी स्किन सेल्स है वो जल्दी मूवमेंट करती है, द मूवमेंट बिकम्स फास्टर एंड जितने भी जूसी सेल्स है वो सारे स्किन के लेयर पे आ जाते हैं। सो ऑल दैट जूसी स्किन विच लेयर्स, द सेल्स दैट आर देयर इन योर लेयर्स जो डीप होते हैं वो जल्दी से सर्फिस पे आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच यू सी दैट प्लम्पी स्किन। सो अगर आप देखो, बच्चों की स्किन काफ़ी अलग होती है, काफ़ी प्लम्पी होती है बिकॉज दे हैव ऑल दैट जूसी सेल्स इन देयर स्किन एंड पीपल विथ एज लूज दैट सेल्स। क्यों? क्योंकि आई एम 37 नाउ, सो हाँ, जनवरी में आई बिकम 37, दैट इज 24th। सो जब मेरे, मुझे लगता है 37 डेज फॉर द सेल टू कम ऑन द सर्फेस, और जब तक वो आते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं तो वो जूसी प्लम्पी नहीं रहते। दैट इज वाई दिस सीरम इज इन प्लेस, ताकि आपकी स्किन प्लम्पी रहे और आपको वो यंग फीलिंग आती रहे। एंड और क्या करता है रेटिनॉल? सो इट डिक्रीजेज द पोर्स, इट श्रिंक्स द पोर्स अलॉन्ग विथ द एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। अब मैंने इसमें नियासिनामाइड भी यूज किया है जिससे कि आपकी हाइपर पिगमेंटेशन भी कम होगी बिकॉज सेल्स जल्दी ट्रैवल कर रहे हैं, मेलेनिन को कम टाइम मिलता है वैनिश होने में, दैट इज वाई द हाइपर पिगमेंटेशन इज ट्रीटेड, आपकी मेलेनिन फिर से आने लगती है स्किन में। और क्या करता है? वेल, इट गिव्स अ ओवरऑल ग्लो टू योर फेस। नाउ इफ यू आर न्यू टू रेटिनॉल, इफ यू आर न्यू टू यूजिंग अ रेटिनॉल सीरम, अगर आपने ये स्टार्ट किया है इन योर रूटीन, वेन शुड यू यूज इट? यू नीड टू यूज इट एवरी नाइट। फॉर स्टार्टर्स, फॉर बिगिनर्स, आप ऑल्टरनेट डेज कीजिए, आप एक दिन छोड़ के एक दिन उसको लगा सकते हैं। आप कौन सी स्किन ये लगा सकती है? ऑल स्किन टाइप्स कैन यूज इट, येस, द रेटिनॉल दैट आई हैव मेड एवरी स्किन टाइप कैन यूज। मार्केट में जो रेटिनॉल्स मिलते हैं वो ड्राई स्किन के लिए नहीं होते हैं, बट विथ अस आप हर स्किन पे लगा सकते हो इसको। ऑयली एक्ने प्रोन स्किन भी लगा सकता है, ऑल यू नीड टू डू इज यूज इट इन द नाइट। और आपको ये लगाना कैसे है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पोर्स के लिए लगा रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ, ये ऐसे दिखता है हमारा सीरम, तो आपको सिर्फ पोर्स पे लगाना है। अगर आप एंटी एजिंग के लिए लगा रहे हो, जैसे मेरा ये एरिया है, तो मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ और यहाँ पे बिकॉज ऑफ द आई रिंकल। सो रिमेंबर दैट यू नीड टू यूज इट ओनली वेयर इट इज नीडेड, जहाँ पे आपको जरूरत है आप वहाँ पे ये सीरम लगा सकते हैं। दिस इज वाटर बेस्ड सीरम, ये हमारा काफ़ी अलग सीरम है, which see is different. If you see, this is water based, this is how it looks, correct? So ये था हमारा retinol serum। अब अगर आपकी dry skin है, extra dry skin, so आपको इसमें थोड़ा सा changes करना पड़ेगा। If you have a dry skin, you need to use this along with the vitamin C serum। रात में जब आप ये लगा लो, इसके लिए कोई damp face की जरूरत नहीं है जैसे hyaluronic के लिए रहती है, no, you just have to take the drops, apply wherever needed। जब ये चला जाए आपकी स्किन के अंदर, जब आपको लगे ये अब्जॉर्ब हो गया है, उसके बाद में आपको विटामिन सी सीरम यूज़ करना है। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, दिस शुड बी इनफ, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ की। इफ़ यू हैव नॉर्मल स्किन, आपको हैल्यूरोनिक के साथ इसको लगाना है, आप लगा सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज़ वेट योर फेस,
हैल्यूरोनिक पहले लगेगा एंड देन आप ये लगाओगे. सो देर आर थ्री स्टेप्स फॉर हैल्यूरोनिक. हैल्यूरोनिक के साथ लगाने के लिए आप मैं इस सीरम को नाइट टाइम ही प्रेफर करूंगी. इट इज़ अ मस्ट दैट यू यूज इट इन द नाइट. रीजन फॉर हैविंग दिस इन दिस ब्लू कलर बॉटल इज दैट इसको आपको डार्क प्लेस पे ही रखना है बिकॉज रेटिनॉल जो होता है वो एयर और लाइट के साथ रिएक्ट करता है. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इसको ड्राई प्लेस पे रखें, डार्क प्लेस पे रखें कहीं, एंड व्हेनेवर यू यूज इट जल्दी से यूज करके इसको बंद कर देना है. सो वन थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर विद द रेटिनॉल सीरम इज दैट आपको ये डार्क प्लेस पे रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, डायरेक्ट एयर में आपको इसको नहीं यूज करना है. तो देयर आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर फॉर दिस सीरम. इसमें मैंने और भी चीजें यूज करी हैं. सो दिस एक्चुअली हैज रोज एज वेल ताकि हाइपर पिगमेंटेशन को थोड़ा ये कम करेगा. इसकी खुशबू काफी अलग है. आई एम श्योर यू विल लव इट. सो एंड आई होप दैट आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस. अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है आप कमेंट्स में यहाँ पे मुझे पूछ सकते हो एंड आई विल आंसर. सो टेक केयर एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड.